मंगलवार के दिन लौंग के प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर वो पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही बताइए, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियों से, ऐसी समस्याओं से हार जाना चाहिए या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वो अपने जीवन में इन तरीके की दिक्कतों से बाहर आ सके। तो यदि आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियों से, कष्टों से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं तो वेद पुराण में बताए हुए 3 लौंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात हनुमान जी महाराज की वो कृपा और मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो मान के चलिए महाराज के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां उतार जाती है जिसके चलते हम बहुत ज्यादा टूटते हुए चले जाते हैं। राहु केतु की दिशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में ना केवल धन आना बंद हो जाता है बल्कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी जकड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज करा करा के थक जाते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही परेशानियां चल रही हैं तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन 3 लौंग और सरसों के तेल का महा उपाय कर लीजिए और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी जिसके पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिली जाएगी। आप बार बार ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग का ही उपाय क्यों करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हनुमान जी महाराज हैं उनको लौंग बहुत ज्यादा प्रिय है क्योंकि जो लौंग होती है वो हनुमान जी के शास्त्र गधे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग नहीं किया जाए तो हनुमान जी महाराज की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4-5 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, न केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए अंत तक दिखेगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपनी जीवन में किसी भी के संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र का शीघ्र लिख दीजिए। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम की जय।
और दोस्तों अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, ये उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि आप इन उपायों को करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से चलाएं, आपके जीवन में धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4-5 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए, इससे हमारी सेहत बनी रहती है, और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, न केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए अंत तक दिखेगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपनी जीवन में किसी भी के संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र का शीघ्र लिख दीजिए। हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय। और दोस्तों अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, ये उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि आप इन उपायों को करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से चलाएं, आपके जीवन में धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर में दान करना होगा। यदि आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू करते तो कि चलिए हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी और आपका हमेशा आपका साथ देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से बता रहे हैं। इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनेगा। देखिए आपको लेना है धागा, काला धागा,
लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक। एक दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको मंगलवार की सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, आपने जो काला धागा लिया है इस पे इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी महाराज के दाईं चरण के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार सुनते नमः का जाप करना है। बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है यहाँ हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाएं जहां पर हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाया गया हो। सिंदूर इस काले डंडे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, आप दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में इससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और 1 गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी महाराज की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, तो आपको यहाँ करना होगा। देखिए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बड़े ज्यादा पसंद है। यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी महाराज को ले जाकर के भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए जी इस बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न